लकम बैक टू माई यूट्यूब चैनल स्टडी बॉक्स आई हम सागरिका सिंह एंड आज हम लोग कंटिन्यू करने वाले हैं मॉडर्न ट्रेंड्स इन इंडियन आर्ट का पार्ट टू वीडियो इस चैप्टर में के जो पहले का पार्ट है उसमें हम लोगों ने पढ़ा था कि जो आर्टिस्ट है और जो पेंटिंग है उनका क्या रोल रहा है ठीक है मॉडर्न ट्रेंड में मॉडर्न आर्ट में इस बार हम लोग कवर करेंगे कि कौन कौन सी पेंटिंग बनी है उन दौरा उस दौरान में जिस जिस आर्टिस्ट के बारे हमने लास बार, लास में हमने लास्ट बार लास्ट चैप्टर में लाइक लास्ट पार्ट में पढ़ा था ठीक है so, सो नहीं देखा है तो उसमें लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा जो ज़रूर चेक कर लेना ओके सो लेट्स स्टार्ट अब हम आते हैं अपनी पेंटिंग्स पे जो हमें कवर अप करनी है यहाँ पे ओके okay, सर so हमें चार पेंटिंग्स पढ़नी है इसमें ये जो स्लाइड है ये स्लाइड वेरी वेरी इंपॉर्टेंट स्लाइड्स में से आती हैं बिकॉज इसमें आपको एक ही स्लाइड में आपको हर एक पेंटिंग के बारे में सब पता चल रहा है जो मेन आपको स्टार्टिंग में लिखना होता है ठीक है कि भाई कौन से आर्टिस्ट हैं मोस्ट इम्पॉर्टेंट और टाइम पीरियड इंपॉर्टेंट है ये दोनों मीडियम स्कूल कलेक्शन एक्सेप्शन कलेक्शन बताती हूँ क्या ये ये सब क्या है देखो आप लिखोगे रामा वेंगुशन द प्राइड ऑफ द ओशन पेंटिंग ये है आर्टिस्ट इसके राजा रवि वर्मा टाइम पीरियड लेट नाइनटीन सेंचुरी मीडियम ऑयल ऑन ऑयल ऑन कैनवास स्कूल मॉडर्न स्कूल ऑफ पेंटिंग बस ये चारों चीज़ आपको सेम लिखनी है

मैं तुझे सुखा दूंगा so, आपने क्लिप देख ली है अब आप इस क्लिप से ही इजीली समझ गए होंगे कि इस पेंटिंग के अंदर क्या हो सकता है राइट तो इस पेंटिंग के अंदर यही है कि जब राम जी जो हैं वो सीता जी को लेने श्रीलंका जाते हैं तब ये जो समुद्र है पे वो पत्थर रखते हैं ना राम सेतु बना के जाते हैं तो समुद्र से ना वो बार बार पत्थर लाइक हट रहे थे वो टिक ही नहीं रहे थे उसके ऊपर जबकि उसके ऊपर जब राम भी लिखा जा रहा था स्टिल नहीं वो टिक रहे थे तो ना जी को बहुत गुस्सा आता है कि वो इस समुद्र के चक्कर में समुद्र जो है उनके चक्कर में नहीं जा पा रहे हैं उस ओर सीता जी को लाने तो वो अपना धनुष बाण ऐसे उठाते हैं और कहते हैं कि मैं तुझे पूरा का पूरा सुखा दूंगा आज तो तब जो आ, वरुणा जी हैं जैसे कि आप फोटो में देख सकते हो ये अपने लोगों के साथ आते हैं और राम रामजी रोकते हैं नहीं नहीं प्रभु रुक जाइए ऐसा मत कीजिए तो यही इस पेंटिंग के अंदर दिखाया जा रहा है रामा वेंक सिंह द प्राइड ऑफ द ओशन ओके सो ये पेंटिंग किसने बनाई है राजा रवि वर्मा ने कौन थे वो याद करो अभी बताया मैंने केरला के साउथ साउथ से आए हुए केरला के फर्स्ट इंडियन आर्टिस्ट जिन्होंने ऑयल पेंटिंग शुरू की थी ठीक है वही है ये कब बनी थी ये बनी थी लेट नाइन्टीन सेंचुरी में ओके तो ये कहाँ से लिया गया है ये एपिसोड तो बाल्मीकि जी की रामायण से ये इस एपिसोड को लिया गया है इसमें क्या है जो पेंटिंग क्या डिपेंड करिए कि राम जी जो हैं वो ऐसे समुद्र ने उनको रोक रखा है नहीं नहीं मुझे हमें मतलब मत मारिए हमारे जो तो समुद्र है मुझे मत सुखाइए ठीक है क्योंकि वो ब्रिज बनाना चाह रहे थे और समुद्र के कारण वो नहीं बना पा रहे थे तो जो वरुण जी हैं वो अपने एस्कॉट इनके साथ आते हैं और राम जी को रोकते हैं ठीक तो इस कॉम्पोजिशन के अंदर राजा रवि वर्मा ने क्या दिखाने की कोशिश की है हैज़ शोन हिज एबिलिटी टू कैप्चर द मूवमेंट ये जो मूवमेंट है लाइक बिल्कुल समझ लो आप एक पेंटिंग के अंदर एक पूरे सीन को दिखाना है इज अ वेरी बिग थिंग सो इस चीज़ को दिखाने की कोशिश की है उन्होंने अलग अलग motion मोशन दिखाए हैं मोशन कैसे दिखाए कि भाई राम जी ऐसे बिल्कुल तन के खड़े हुए है, हैं वैसे कह रहे हैं नो no, नो no, प्लीज़ बिजली कड़क रही है हवा वगैरह चल रही है So, ये सब चीज़ दिखाने की कोशिश की है और डायनामिक बैलेंस डायनामिक बैलेंस क्यों बोला गया देखो ऊपर का शेड नीचे का शेड बहुत अलग है तो इसलिए बैलेंस फो ग्राउंड फोग्राउंड का मतलब मैं हमेशा बताती हूँ अपने लाइक स्टूडेंट्स को कि ये जो आगे का हिस्सा होता है इसको बोलते हैं फो ग्राउंड एंड पीछे के हिस्से को यहाँ ऊपर के हिस्से को पीछे बोला जाता है ठीक है तो फोग्राउंड में आप दिखा देख सकते हो आराम से कि सॉलिड रॉक्स हैं और किसके कॉन्ट्रास्ट में है स्मूद ओशन जो ये ओशन है उसके कॉन्ट्रास्ट में बनाया गया है ठीक है और क्या है आप राम जी को देख करके कह सकते हो कि ये जो इनकी पोस्टर जो बहुत ब्रेवरी का है और स्ट्रेंथ का है ठीक है और इस फोटो से आप समझ सकते हो कि जो ये राम जी हैं इनका जो ये धोती पहन रखी है ये उड़ रहा है इसका मतलब क्या है कि यहाँ पे बहुत ज़्यादा हवाएं चल रही हैं ठीक है सो so, काफ़ी अच्छा राम जी को दिखाया गया है इन द लाइक डार्क बैकग्राउंड पीछे का है और आगे राम जी को दिखाया गया है और ये कलेक्शन ये एक्सेप्शन कलेक्शन है याद रखना क्योंकि कहाँ पे है चित्रशाला मैसोर में बाकी जितनी भी पेंटिंग्स है वो पेंटिंग्स कहाँ की हैं नेशनल गैलरी ऑफ मॉडर्न आर्ट न्यू डेली ओके सो ये है इसका डिटेल डिस्क्रिप्शन मैं इसी की बात कर रही थी आपकी रामा वेंकृष्ण फ्राइड ऑफ सो ए टू जेड ए के आर्टिस्ट से मैसोर के ई तक ऐसी छाप के आना ठीक है ओके okay, नेक्स्ट बढ़ते हैं हम लोग मदर एंड चाइल्ड जो कि मैंने आपको बताया था याद रखना काली घाट पटा पेंटिंग्स जो मैंने आपको बताई थी ना याद रखना वो यहीं पे यूज़ की गई हैं ओके फोक आर्ट के थ्रू तो उनके आर्टिस्ट कौन है जामिनी रॉय कब की है ये पेंटिंग 1930 की ये पेंटिंग है ओके okay, तो जामिनी रॉय जो हैं उन्होंने बहुत ही अच्छे से लाइक इंडिपेंडेंटली दिखाया है इस पिक्चर को अब इंडिपेंडेंटली क्यों बोला गया है क्योंकि इन्होंने ना किसी की मतलब ये ऐसे इम्प्रेस्ड uh, मतलब किसी ने इनको ऐसे दबाव नहीं बनाया था इसके ऊपर तो इन्होंने बिल्कुल किसी के इंप्रेशन में आकर के नहीं बनाए हैं ये बंगाल स्कूल की ये पेंटिंग है और क्या है बाय बंगाल स्कूल मतलब कि उसका छाप छोड़ना है यहाँ पे बंगाल स्कूल का मतलब है कि यहाँ उसका छाप छोड़ना है यहाँ पे ठीक है और उन्होंने एक नया ही मॉडर्न स्टाइल uh, हमारे जो इंडिया में है उसको दिखाया गया है और क्या है इस पेंटिंग में हम देख सकते हैं फोक आर्ट नए एक्सपेरिमेंट दिखाए गए हैं किसके फोक आर्ट्स के स्पेशली कालीघाट पटा पेंटिंग जो मैंने आपको लिस्से पहले पढ़ाया था वो अब इस पेंटिंग के अंदर है क्या सबसे पहली बात तो ये एक वर्टिकल कॉम्पोजिशन है वर्टिकल मतलब ये सीधी सी पेंटिंग है और जो हॉरिजॉन्टल होती है वो होती है जर्नीज़ एंड वाली पेंटिंग वो हॉरिजॉन्टल थी लास्ट चैप्टर में याद करो सो वो हॉरिजॉन्टल थी ये वर्टिकल पोजिशन पे है और क्या है इसके अंदर दिखाया गया है इमोटलाइज मदरहुड अब इसका मतलब क्या होता है ओके okay, इम motherhood मदरहुड का मतलब है देखो Immortal का मतलब हम सबको पता है कि जो कभी मर नहीं सकता इमोटल ठीक है वेम्पायर्स कहते हैं ना इमोटल वेम्पायर्स सॉरी सो उनको उसको दिखाया गया कि जो माँ का प्यार है वो इमोटलाइज मतलब कभी ख़त्म नहीं होता है सो so, वही है इस पेंटिंग के अंदर की भाई एम मॉडलाइज मदरहुड को दिखाया गया है माँ और बच्चे जी के बच्चे के बीच का प्यार है जिसमें कि यशोदा जी और कृष्ण जी को दिखाया गया है हमें कैसे पता है कि यशोदा कृष्ण जी हैं लुक एट द चाइल्ड्स दिस हेड फोर हेड देख सकते हो ये सो so, इससे पता चलता है हमें कि ये जो है ये क्या है कृष्ण जी है और यशोदा जी की पेंटिंग है ओके okay, ये जो पूरी की पूरी पेंटिंग है इस नाइसली फिल्ड है मतलब एक कोना भी ऐसा नहीं है जो कि खाली पड़ा हुआ हो कहीं ना कहीं पर पत्ते हैं फूल हैं कहीं पर पूरी पूरी पेंटिंग है तो ये दिखाया गया इस पूरी पेंटिंग में मदर एंड चाइल्ड दिखाया गया हाँ इनमें क्या क्या कॉमन है वो दोनों ध्यान से देखो बहुत ऑर्नामेंटेड है मेरे सब कुछ पहन रखा है ज्वेलरी वेलरी हाँ प्रॉपर टेक नेक्स्ट है फेस्ड फेसेस अप शेप मतलब प्रॉपर दोनों के फेसेस देखो प्रॉपरली शेप्ड हैं फेसेस अप शेप्ड देन आइज़ दोनों की आईज जैसे एलोंगेटेड आइज़ हैं थिक आईब्रोज हैं तो ये दोनों में चीज़ें कॉमन हैं ओके okay? नेक्स्ट है यस सेम स्लाइड दैट इज़ मदर एंड चाइल्ड अब हम लोग अलग अलग थोड़ा सा पढ़ लेते हैं दोनों के बारे में तो पढ़ेंगे मदर के बारे में पहले इन्होंने क्या किया हुआ है इन्होंने ये जो अपने बच्चा है कृष्ण जी हैं इनको अपने लेफ्ट आर्म के लेफ्ट साइड के वेस्ट पे ऐसे होल्ड किया हुआ है और इनका जो सर है वो अपने बच्चे की तरफ ऐसे टिल्टेड है ठीक है इन्होंने ये साड़ी पहनी हुई है जिसका डार्क ब्राउन कलर है और वाइट बॉर्डर्स हैं ठीक है इसमें सीधे सीधे पॉइंट्स हैं कुछ ज़्यादा रॉकेट साइंस नहीं है और दूसरा क्या है सो जो बच्चा है वो क्या है हेल्ड बाय मदर ठीक है मदर ने उसको पकड़ा हुआ है और टोटली नेकेड है क्योंकि हमें साफ दिखाई दे रहा है कि उसने कुछ कपड़े नहीं पहने हैं और यस या सो so, ये है देन हम देख सकते हैं बैकग्राउंड है जो बैकग्राउंड हम देख सकते हैं फोक मोटिव्स अब फोक मोटिव्स क्यों बोला गया है क्योंकि ये जो पत्ते हैं ये पत्ते दिखाना फ्लावर्स दिखाना इससे क्या होता है इससे सिंप्लिसिटी ऑफ लोकल एंड रूरल रूरल लाइफ दिखाता है जब हम लोग कहीं गांव वगैरह में जाते हैं तो सबसे ज़्यादा हमें क्या दिखाई देता है फ्लावर्स ट्रीज लैंड सॉइल सो ये सब चीज़ दिखाई देती है हमें सो so, वही दिखाया गया है पीछे कलर्स कौन से यूज़ किए गए हैं ब्राउन सबसे ज़्यादा में सबसे दिखाई दे रहा है डोमिनेंट कलर है वो पूरी पूरी पेंटिंग में येलो ऑर्क ये जो आप देख सकते हो येलो येलो कलर्स के जो हैं ब्यूटीफुल डिपेक्टेड व्हाइट ऑर्नामेंट्स फ्लावर्स और हाईलाइट के लिए व्हाइट कलर को यूज किया गया है येलो मत लिख के आना खाली येलो ऑर्क पूरा लिख के आना ठीक है ओके दिस इज द डिटेल्ड डिस्क्रिप्शन ओके नेक्स्ट वी हैव इज़ हल्दी ग्राइंडर हल्दी को कूटना हल्दी ग्राइंडर इसको किसने बनाया है अमृता शेरगिल ने ये वही आर्टिस्ट हैं जो पेरिस से आई थी जिन्होंने इंडियन पेंटर्स को मोटिवेट uh, किया था कि भाई वो आकर के ऑयल पेंटिंग करें और इनका ट्वेंटी एट ईयर का लाइफ स्पैन था सो so ये वही पेंटिंग्स हैं ठीक है नाइनटीन फोर्टी की ये पेंटिंग बनाई गई है इस पेंटिंग के अंदर अमृता शेरगिल ने क्या दिखाने की कोशिश की है देखो हम लोग हमेशा डालते हैं हल्दी ग्राइंडर ग्राइंड करना ग्राइंडिंग वगैरह कि आप पेंटिंग में देख सकते हैं कि जो कुछ औरतें हैं ठीक है वैसे कूटने की कोशिश कूट रही हैं किसी चीज़ को तो ये कहाँ का है ये एम्पथी और फैसिनेशन दिखा रहा है किस चीज़ का रूरल लाइफ में आप लाइक अब एक विलेज एरिया में जाओगे तो आप देखते हो कि वहाँ पे जो औरतें होती हैं वो एक साथ झुंड में बैठी होती हैं एन ऐसे कूट रही होती हैं तो क्या कूट रही होती हैं भाई वो तो ये वही दिखाया गया है इसमें कि लाइक रूलर लाइफ को दिखाता है पुअर और ऑथेंटिक इंडियंस को दिखाता है ये इंडियंस से ऐसे काम करते हैं वरना कहीं बाहर जाकर देख लो तो भाई वहाँ से मिक्स मिक्सि चलती रहती है जब फिर सीधे सीधे रेडीमेड आ जाता है तो ये क्या दिखाता है ये ऑथेंटिक इंडियंस को दिखाता है रूलर एंड पुअर जो इंडियन है उनको उस चीज़ को दिखाता है ठीक है अमिताभ शेगिल जो थी उनको लाइक जो नॉर्मल हाउस होते थे हाउस वर्क हो गया नॉर्मल लाइफ ये ना कि भाई हाई फाई फैंसी ना 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 भले ही वो पैरिस में रही हूँ लेकिन वो हमारे इंडिया में आकर के उन्होंने इस चीज़ को रूरल एंड पूल लाइफ को दिखाया है ओके सो नेक्स्ट है हमारा पेंटिंग की डिपिक्शन अब इस पेंटिंग में डिपिक्ट हो क्या रहा है इस पेंटिंग में डिपिक्शन हो रही है डोमेस्टिक इंडियन हाउस होल्ड के बारे में जैसे कि आप देख ही सकते हो कि भाई कैसे घर के अंदर से कुटाई चल रही है अब ध्यान से सुनना पेंटिंग के बारे में ठीक है टू थिक ट्रंक्स हैं ये जो दोनों ट्रंक्स है ये बड़े बड़े ये टू थिक ट्रंक्स हैं जहाँ पे हम लोग आराम से देख सकते हैं कि दो औरतें बैठी हुई हैं आमने सामने मुँह करके साइडवेज ये दोनों औरतें ठीक है और जिनके हेड ऐसे कवर हैं और डार्क फेसेस हैं अब डार्क फेसेस दिखाने का यहाँ पे क्या मतलब हो सकता है देखो तो डार्क फेसेस दिखाने का यहाँ पे मतलब है कि भाई वो पुअर हैं रूलर हैं ठीक है मतलब उनकी लाइफ में तो उनको ये काम जबरदस्ती करना पड़ रहा है या तो फिर उनके ऊपर कुछ प्रेशर है सो तो ये वो चीज़ दिखाया गया है और क्या कर रही है वो ग्राइंड कर रही है टर्मरिक को उन्हीं के साइड में ये जो लड़की है ये बैठी हुई है और क्या कर रही है ये टर्मरिक सीड्स को चुन रही है ये देखो ये नीचे सीड्स को चुन रही है और पीछे हम देख सकते हैं कि वन मोर हेड सॉरी यार वन मोर हेड ये एक विजिबल है हम दूर से देख सकते हैं और क्या है फीमेल फॉर्म्स जो है हम सब पता चल रहा है कि फीमेल फॉर्म्स है सिम्प्लीफाइड एंड एब्स्ट्रैक्ट है ये सिम्प्लीफाइड मतलब क्लियरली पता चल रहा है एंड एब्स्ट्रैक्ट मतलब क्योंकि इनके जो प्रॉपर लाइक ऐसे होता है ना नोज दिखाना जैसे कि हमने लास्ट पेंटिंग में देखा था कि भाई प्रॉपर एलोगेटेड फेसेज हैं आई शार्प्ड हैं वो सब दिखाना तो इस पेंटिंग में वो नहीं है ये सारे एब्स्ट्रैक्ट हैं खाली हम खुद से मैजिन कर सकते हैं तो वो वाली चीज़ है एब्स्ट्रैक्ट आर्ट एब्स्ट्रैक्ट है और क्या है जो ट्रीज़ हैं वो कैरी कर रहे हैं इन्फ्लुएंस ऑफ द इंडियन पेंटिंग ऐसे ही पेड़ होते हैं हमारी इंडिया में तो उसी चीज़ को ये पेंटिंग दिखा रही है नेक्स्ट आते हैं कि इस पेंटिंग के अंदर क्या है वेस्टर्न और ईस्टर्न दोनों ही आर्ट को दर्शाया गया है इस पेंटिंग के अंदर कूटना एंड ऊपर से ऐसे पल्लू रखना ठीक और कौन से कलर यूज़ किए हैं रेड येलो और ब्राउन येलो एंड ग्रीन ओके आई आई होप इस पेंटिंग आप सिंपल और क्लियरली समझ में आई हो देन दिस इज योर डिटेल डिस्क्रिप्शन यू कैन टेक द स्क्रीन शॉट और इट फ्रॉम आ टेलीग्राम चैनल लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स ओके सब हम आते हैं अपनी लास्ट पेंटिंग पे दैट इज मदर टेरेसा पेंटेड बाय एम एफ हुसैन ये आपको ऊपर से बॉक्स इसलिए दिख रहा है बिकॉज मैंने आर्टिस्ट का नाम चेंज करना ही भूल गई सो एम एफ हुसैन की ये पेंटिंग है और कब की है ये पेंटिंग 1997 की ये पेंटिंग बनाई हुई है एम एफ हुसैन कौन थे वही एक वर्सटाइल आर्टिस्ट मतलब वो ईजली अडाप्ट कर लेने वाले आर्टिस्ट थे जो हमारी इंडियन की पेंटिंग्स को इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पे लेके गए थे ओके okay, ये पेंटिंग है ऑयल ऑन कैनवस पे ओके okay, सो so, इस पेंटिंग के अंदर हम लोग क्या देख सकते हैं हम लोग देख सकते हैं बोल्ड ब्लैक लाइन्स सबसे मेन जो चीज़ हम इसके अंदर पेंटिंग के अंदर देख सकते हैं इस पेंटिंग में मेन फिगर किसकी है मदर टेरेसा की जैसे कि हेडिंग बता रहे हैं हमें और इन्होंने ना अलग अलग लाइक पोस्टर्स में मदर टेरेसा को दिखा रखा है अब ध्यान से देखना ब्लू बॉर्डर से एंड वाइट साड़ी है तो मदर टेरेसा की हमें पता ही है ठीक है ये तो इम्पोर्टेंट है फिर आता है वन साइड अब एक साइड पर देख सकते हो आप गिविंग शेल्टर टू एन ऑफ़न गर्ल एक ऑफन लड़की को शेल्टर दे रहे हैं ये ठीक है उसको शेल्टर दे रहे हैं दूसरी साइड पे देख सकते हैं हम लोग कि एक सिक पर्सन उनकी ऐसे नीस पे ऐसे मतलब लेटा हुआ है और ऐसे उनका हाथ ऐसे आ रहा है ऊपर ऐसे कैसे ब्लेसिंग के फॉर्म में ठीक और बिल्कुल अनदर साइड पे देख सकते हो आप इस साइड पे ये कि एक जो फिगर है वो उनके ऊपर ऐसे उनके लैप पे सोया व एक बेबी सा लग रहा है तो उनके लैप पे से सोया हुआ है तो बस ये, ये इस पेंटिंग तीन फिगर्स बताई गई हैं एक जगह शेल्टर दे रहा है एक जगह ऐसे लाइन ऑन द नीज है और लास्ट में क्या है स्लीपिंग ऑन द लैप और क्या है बीच में आप देख सकते हो ये चीज कि यहाँ पे ब्लेसिंग्स की फॉर्म में ऐसे हाथ है और क्या है एम एफ फुसेन ने शार्प लाइन दिखाई है फुल ऑफ एक्सप्रेशंस मतलब अलग अलग चीजों को दिखाया गया है कलर यूज किया गया है फ्लैट लाइक डार्क टोन्स फ्लैट है लाइट डार्क टोन्स इन सब चीज़ों का यूज़ किया गया है विद दिस योर चैप्टर इज़ फाइनली कम्प्लीटेड ये रहा इसका डिटेल डिस्क्रिप्शन और यू कैन है इज कम्प्लीटेड फाइनली आई होप यू लव दीडियो एंड थैंक्स यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड अगर आप कोई वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक ठोको सब्सक्राइब कर दो एंड शेयर कर दो अपने दोस्तों के साथ और येस एल सी यू गाइज इन द नेक्स्ट वन दिन टेक केयर एंड बाई बाय Or uh, yeah, that's it. Bye.